नमस्कार, स्वागत है आपको टीवी न्यूज में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृहग्राम चैत में 32 साल के एक किसान की मौत हो गई। दो दिन पहले रात को अटेंडेंट ने एक्सीडेंट बताकर किसान को भर्ती कराया था। बुधवार दोपहर इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मौत के बाद परिजनों ने एक्सीडेंट नहीं हत्या होना बताया, जिससे घटना ने एक नया मोड़ ले लिया। परिजन के मुताबिक मामला एक्सीडेंट का नहीं बल्कि उस पर खेत में सोते समय अज्ञात व्यक्तियों ने हमला कर दिया था। हाई प्रोफाइल मामला हत्या का पाए जाने के बाद सागंज पुलिस की मौजूदगी में देहात थाना पुलिस ने शव को जिला अस्पताल ले जाकर उसका पोस्टमार्टम कराया। इस दौरान वीडियोग्राफी भी कराई गई। मृग कायम कर डायरी को सागंज थाने भेजा गया। देहात थाना TI संजय चौकशी के मुताबिक ग्राम चैत निवासी गोपाल पिता रेवेंद्र चौहान को मंगलवार की रात करीब 1:30 बजे भर्ती किया गया था, लेकिन बुधवार को 12:30 बजे उसकी मौत हो गई। जांच में पता चला कि उक्त युवक को जब भर्ती कराया गया था तब अस्पताल के OPT रिकॉर्ड में घटना को एक्सीडेंटल लिखवाया गया था। परिजन ने कथनों में हत्या होने की बात कही है। वहीं पुलिस ने कहा कि हमने मृग को कायम कर PM करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। मृग डायरी साहगंज भेजी जाएगी। भर्ती करते समय हेमंत नाम के एक अटेंडेंट ने अपना नाम एवं अपना मोबाइल नंबर गलत लिखवाया था। मृतक गोपाल की मौत हत्या है या एक्सीडेंट, यह पुलिस जाँच के बाद ही स्पष्ट कर पाएगी। और भी खास खबरें जानने के लिए जुड़े रहे डीवी न्यूज में।